नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन बिल्कुल स्थिर बना हुआ है, ऐसे दौर में भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। रंग समागम के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं कला जगत के उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी कला साधना के माध्यम से एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं, उन्हें पूरे देश ने बतौर रंगकर्मी बहुत स्नेह दिया और उतना ही इसने एक फिल्म अभिनेता के तौर पर भी दिया है। बेहद उम्दा लेखक, निर्देशक और अभिनेता, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से विभूषित श्री सौरभ शुक्ला जी। श्री सौरभ शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत उम्दा सर। उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में आप भी पूरी तरह सपरिवार सुरक्षित होंगे। जी, अभी तक तो सुरक्षित हैं, एकदम सुरक्षित हैं। सर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब लोगों को खबर मिली कि आप भारतेंदु नाट्य अकादमी के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो लोगों को कितनी खुशी है। सभी आपको चरणबद्ध तरीके से, जो पूरी आपकी यात्रा रही है उसको जानना चाहते हैं, आपके अनुभव जो हैं वो सुनना चाहते हैं। तो पुनः एक बार स्वागत सर आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया, और ज्यादा खुशी हो रही है कि ये जान के कि लोगों को इस बात की खुशी है। निश्चित तौर पे सर, थैंक यू सो मच सर। शुरू करते हैं सर आपके बारे में जो जानने की उत्सुकता है चरणबद्ध तरीके से। गोरखपुर में जन्म हुआ सर आपका जी। दिल्ली में आपका बचपना भी था जी। पिताजी म्यूजिक और फाइन आर्ट्स फैकल्टी के डीन रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के जी। माताजी के नाम एक विशेष खिताब है कि वो भारत की पहली महिला तबला वादक रही जी। तो निश्चित तौर पे घर पे एक क्रिएटिव माहौल था, लेकिन इस क्रिएटिव माहौल से रंगमंच थोड़ा अछूता था। सौरभ शुक्ला जी पहली बार कब और कैसे रंगमंच के प्रति आकर्षित हुए सर? ये एक बड़ी मतलब रंगमंच जो है वो जीवन में बहुत बचपन में नहीं शुरुआत हुई थी मेरी। तो जब मैं तकरीबन तकरीबन कहना चाहिए कि 20-22 साल का था तब जाके ये एक्चुअली शुरू हुआ था, या उससे थोड़ा पहले शुरू हो गया था। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से चीजें हुई थी। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो कलाकारों का परिवार रहा। पिताजी हमारे जो थे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के गायक थे, आगरा घराना से थे, प्रोफेसर शत्रुघ्न शुक्ला। और माताजी जो हैं डॉक्टर जगुमाया शुक्ला, वो तबला वादक थी, और कहना चाहिए कि वो महिला तबला वादक थी, प्रथम महिला तबला वादक थी। हालांकि मुझे उस वक्त नहीं पता था, मुझे उस वक्त ऐसे लगता था, माँ को रोज देखता था तो मुझे लगता था कि भाई औरतें ही तबला बजाती होंगी। तो जब आदमियों को मैंने तबला बजाते हुए देखा तो मुझे लगा कि अरे यार ये कैसा आदमी है, ये क्यों तबला बजा रहा है, कि तबला तो औरतों का साज है, जबकि ये बात मुझे बाद में जाके पता लगी। खैर, तो घर में कला का माहौल था और कला के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मतलब जैसे आम हिंदुस्तानी घरों में कला को थोड़ा ऐसा मान लिया जाता है कि यार ये तो साइड की चीज है, इसको तो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इस पे, तो दे वैसा दे। नहीं था। दे दे दे। तो ये सब चलता रहा, मैंने सब किया। थोड़ा सा पेंटिंग किया है ना, थोड़ा गाना भी गाया, म्यूजिक सीखा नहीं क्योंकि संगीत की भरमार थी घर पे, तो घर में जो ज्यादा होता है उसी पे सबसे कम ध्यान देते हैं। और फिर बाकी जो बच्चे करते हैं वो भी किया मैंने। जैसे हिंदुस्तान का हर बच्चा दो ही चीज बनना चाहता है,
एक वो एक्टर बनना चाहता है और दूसरा वो क्रिकेटर बनना चाहता है। जी तो मैंने क्रिकेट में भी अपना हाथ ट्राई किया। जी जिस तरह की मेरी फिजिक थी उसमें मुझे जल्दी समझ में आ गया कि भाई क्रिकेट में बहुत मेहनत है और इतना शारीरिक मेहनत शायद मेरे बस की बात नहीं है। जी जी क्रिकेट का सपना जल्दी खत्म हो गया। फिर मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, जी तो एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि जी मुझे फिल्मों का बड़ा शौक था जी और हमारे घर में हफ्ते में एक बार संडे को पूरा जी जी परिवार जो था वो सुबह जाता था एक अंग्रेजी फिल्म देखने मॉर्निंग शो में और शाम को एक हिंदी फिल्म देखी जाती। अरे वाह तो मतलब तकरीबन तकरीबन हम लोग 8 फिल्में तो देखते ही थे महीने में, है ना। जी जी उस जमाने में ये बड़ी यूनिक चीज थी कि एक फैमिली जो है वो 8 फिल्में देखती है। जी बड़ी फिल्मों बात का थी बड़ा शौक था मुझे फिल्मों का। जी और समहाव मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात थी कि यार काश मैं भी फिल्में बना पाता। जी मतलब उसका थोड़ा ये था कि मुझे फिल्म देख के एक अलग ही दुनिया सी लगती थी, तो इसलिए ऐसा था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई एम्बिशन नहीं था उस वक्त। जी तो मैं स्कूल में जो मासिक जो कहना चाहिए जो आपके एग्जाम्स होते हैं जी मासिक परीक्षा जो होती है जी वो हुई हमारे स्कूल में हिंदी की। उसमें आया कि मेरा सपना करके एक ऐसे लिखने के लिए आया, जी 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 निबंध लिखना था कि मैं निबंध निबंध लिखना था कि मेरा सपना। तो मैंने कहा यार ये अच्छा मौका है। तो मैंने उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि रात को मैं सोया तो कल मुझे सपना आया। और मैंने उन दिनों एक फिल्म देखी थी मैकेनास गोल्ड करके, बड़ी मशहूर जी फिल्म थी। तो जी उसका पहला सीन जो है कि रेगिस्तान है और मैंने उसमें लिखा कि रेगिस्तान में हवा चल रही है और दूर एक घोड़ा है और घोड़े पे एक आदमी जो है जिसके जिसने हैट पहन रखी है और बंदूक है उसके पास, और ऐसे ऐसे करके वो पूरा पहला सीन जो है वो जी मैंने लिख दिया। तो सैटरडे को हुआ था ये शायद, या फ्राइडे को हुआ था। और मंडे मंडे को मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मतलब मास्टर जी खुश हो जाएंगे कि यार एक तो लड़का है जिसने कुछ, क्योंकि सब वही नाट वही लिखते थे कि जी मेरा सपना है कि मेरा भारत महान बने, या मेरा सपना है मैं जवाहरलाल नेहरू बनना चाहता हूँ, या मेरा जी सपना है ना आदर्श मैं गौतम बुद्ध बनना चाहता हूँ या श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ, यही सब मेरा सपना में लिखते थे लोग। तो जी मैंने कहा मास्टर जी तो खुश हो जाएंगे कि यार ये जी आया इसने कुछ एक नई चीज लिखी है। जी तो मैं बड़ा खुश खुश पहुंचा और क्लास शुरू हुई। तो मास्टर साहब ने मेरे को बुलाया, बोले जी आओ। तो मैंने कहा ये हुई ना बात। तो उन्होंने खड़ा किया और जी पूरी क्लास के सामने उन्होंने कहा कि देखो भाई इनको ऐसे सपने आते हैं जी और मेरे तो काटो तो खून नहीं। तो मैं तो बहुत परेशान, तो खैर बड़ा दिल बड़ा टूट गया मेरा। खैर मैं घर वापस आया तो हमारे पिताजी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ। तो मैंने बताया कि क्या क्या हुआ दिन में। तो जी उन्होंने सुना, बोले सुनो तुम अच्छा लिखते हो जी और ऐसा कोई भी सपना है तुम घर पे लिखो, स्कूल में मत लिखना, क्या बात तुम घर पे लिखो जितना लिखना है तुम। जी तो फिर मेरी राइटिंग की शुरुआत हुई जी और ये एक लंबा कहना चाहिए 6th 7th स्टैंडर्ड से लेके और जब तक मैं कॉलेज में आया तब तक मैं कोई एक कृति पूरी तरह से एक पूरी नहीं लिख पाया था। मैं छोटे छोटे टुकड़े लिखता था, पूरा नहीं कर पाता था। जी और फिल्म देखने का बड़ा वो फिल्मों का बड़ा शौक था। तो हमारे दोस्तों में एक्चुअली एक छोटा सा फैंटेसी भी थी कि हम जी लोग
एक दिन आएगा हम लोग फिल्म बना लेंगे। जी। तो वो पैसे वैसे कभी इकट्ठे हुए नहीं, कुछ बात बनी नहीं। जी। तो मेरा एक दोस्त है अरुण पंत करके, जी जी, तो उसने मेरे को कहा कि यार सौरभ, फिल्म बनाने का जो हमारा सपना है वो तो जब पैसे आएंगे तब पूरा होगा, जी जी, तो उससे पहले एक चीज है थिएटर, वो कर लेते हैं। मैंने कहा, मैंने तब तक थिएटर, मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस देखी थी, थिएटर पर से नहीं देखा था। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि यार देखो उसमें क्या है, कहानी भी होती है, डायरेक्शन भी होता है, एक्टिंग भी होती है, म्यूजिक भी होता है, विजुअल भी होता है, तो अगर हम इसको प्रैक्टिस कर लें तो कल को जब पैसे आएंगे तो हम कैमरा ले लेंगे और पिक्चर बना लेंगे। क्या बात है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो फिर मैंने अपनी जिंदगी का पहला नाटक जो है श्रीराम सेंटर में जाके दिल्ली में देखा। जी जी जी। और वो पहला नाटक जो था उसका नाम था ग्लास मेनेजरी। ओके। टेनेसी विलियम्स का जो है ग्लास मेनेजरी। और वो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। और नाटक पहली बार मुझे ऐसा, मैंने नाटक देखा, मैंने कहा भाई इसमें तो फिल्म से ज्यादा मजा आ गया। लाइव परफॉर्मेंस का जो एक सुख होता है वो देखने को मिला। तो मैंने फिर थिएटर शुरू किया और ये मुझे कुछ दिनों बाद समझ में आया कि थिएटर जो है वो मीडियम अलग है, उसकी अपनी खूबसूरती है। और फिर एक लंबे समय तक कुछ कहना चाहिए तकरीबन दिल्ली में 8-10 साल मैंने जम के थिएटर किया और फिर इत्तफाकन में मुंबई आ गया और जो मेरा बचपन का सपना था वो पूरा हो गया। सर एक आपका नाटक अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, आर्थर मिलर साहब का, ऐसा कहते हैं कि उस नाटक ने आपको दिल्ली में एक सशक्त अभिनेता के तौर पे, एक रंगकर्मी के तौर पे स्थापित किया। वहां की स्थानीय मीडिया ने इस नाटक को बहुत उम्दा कवर किया और आपके अभिनय की बड़ी प्रशंसा हुई। तो अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, इसके बारे में सर कुछ बताइए, ये कैसे गेम चेंजर हुआ नाटक की दुनिया में आपके लिए? तो मैं कॉलेज के लेवल पे मैंने शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया नाटक, मेरा पहला नाटक जो बिल्कुल पहला नाटक था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको कि मैं एक्टर कभी नहीं बनना चाहता था। तो मुझे एक्टिंग में कोई शौक नहीं था, कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं डायरेक्ट करना चाहता था। तो जब मैं पहला नाटक करने जा रहा था तो मैं नाटक समझ नहीं पाया, मैं पढ़ना शब्द शुरू किया मैंने और इत्तफाक से अच्छे नाटक नहीं पढ़ पाया था मैं शुरुआत में। अगर आप दिल्ली से वाकिफ है तो लाल किला एक जगह है, लाल किले के बाहर जो बाजार लगता है वहां पर जो नाटक मिलते हैं, जैसे दिल का डॉक्टर या इस टाइप का कोई नाटक था जो मतलब कुछ 50 या 25 पन्ने का कोई नाटक था, वो मैं ले आया, वो मेरी समझ में ही नहीं आया। तो जब वो समझ में नहीं आया तो मैंने कहा यार मैं नाटक कैसे करूंगा, तो मैंने कहा यार लिख ही लेते हैं इसको। तो इस प्रकार मैंने नाटक, पहला नाटक जो किया अपना, वो लिखा। उसका नाम था सब चलता है। उसके बाद में वो नाटक बहुत, उसकी बहुत प्रशंसा हुई स्टूडेंट्स में और यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो मैं यूनिवर्सिटी में 1-2 साल नाटक करता रहा। फिर मुझे मौका मिला मंडी हाउस में, साक्षी एक ग्रुप था, उसमें मुझे पहला, मैं कहना चाहूंगा जो प्रोफेशनल नाटक है, पहला प्रोफेशनल नाटक मुझे करने का मौका मिला, वो था बल्लभपुर की रूप कथा। जी जी। बादल सरकार का। और ज्ञानेश मिश्रा, आप बेचारे गुजर गए, बहुत अच्छे एक्टर थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था। और मैं जब वहां पर, मैं पहले दिन रिहर्सल पे पहुंचा तो ज्ञानेश मुझे, मैंने पीस किया जो भी मुझे दिया गया था, ज्ञानेश एक्चुअली फिजिकली हंसते हंसते गिर गया। तो मुझे मुझे बड़ा ढाढ़स मिला, मुझे लगा यार कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने, तभी तो इतनी
और उसने कहा यार तुम कमाल हो, तुम कमाल हो, उसने बहुत तारीफ की थी। तो मैं साक्षी मैंने ज्वाइन कर लिया, और ये बात है सन 84 की, 1984 की, और उसके बाद 1984 और 1985 मैं साक्षी के साथ जुड़ा रहा। और कुछ कुछ नाटक होते रहे, बल्लभपुर की बहुत सारे शो हुए, जी। और फिर कृष्णकांत जो कि उसी के एक सीनियर मेंबर थे उस ग्रुप के, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तुझे मेन रोल देना चाहता हूँ। तो मैं तो मेन रोल सुन के ही खुश हो गया था। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा किसका नाटक है? तो बोले व्यू फ्रॉम द ब्रिज है नाटक का नाम। मैंने कहा किसका लिखा हुआ है? बोले आर्थर मिलर का। आर्थर मिलर का नाम मैंने सुना तो मैं पागल हो गया, क्योंकि आर्थर मिलर का जो मैंने ऑल माय सन्स अपने कॉलेज में पढ़ा था, और मैं मतलब बता नहीं सकता, जब मैंने वो नाटक पढ़ा था तो मैं, वो मेरे लिए नाटक जैसा नहीं था, इट वॉज अ थ्रिलर, इट वॉज ऑल्सो, मतलब उसका जो आवरण है वो एक मिस्ट्री है उसके अंदर, कुछ हो रहा है और रिश्ते बहुत गहरे होते जाते हैं, है ना। जी, तो पहली पहली चीज अट्रैक्ट हुई वो उसका फॉर्मेट, द वे इट वॉज रिटन, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और फिर वो अंग्रेजी में तो नहीं किया, हिंदी में किया हम लोगों ने, हिंदुस्तानी में किया, जिसका ट्रांसलेशन जो है वो ओके अभी मैं किधर गया? मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, तो कुछ तकनीकी कारणों से सर आप दिख नहीं पा रहे थे हमें। हाँ, तकनीकी नहीं, वो क्या था कि मेरा फोन ऑन था और अचानक जो कॉल आ जाते हैं। सर स्क्रीन अगर आप ऐसे कर पाए सर, लैंडस्केप मोड पे। हाँ, मैंने लैंडस्केप मोड पे ही किया है। हाँ, आप सही है, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है, करेक्ट ना। तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग कास्टिंग की बात कर रहे थे सर। हाँ, From the bridge. हाँ, तो उन्होंने कहा, तो मैं तो हिंदुस्तानी में हम लोगों ने वो नाटक किया था, और उसका जो ट्रांसलेशन है वो नादिरा जहीर बब्बर ने किया था। और बड़ा खूबसूरत ट्रांसलेशन है। और ये मेरी किस्मत अच्छी थी, हम लोगों ने नाटक तो किया, मजा तो आता ही था, मेहनत भी की, लेकिन वो सराहा बहुत गया। और उस सराहना से फिर बहुत कुछ कहना चाहिए कि एक प्रोत्साहन मिला। और फिर उसके बाद जो दूसरा नाटक मैंने किया था वो था लुक बैक इन एंगर, जो है जॉन ऑस्बर्न का, और उसमें मैंने जिमी पोर्टर का रोल किया था। तो इस तरह से फिर मेरी जर्नी जो है वो चालू हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना चाहते थे आप, संयोग से संभव नहीं हो सका, फिर आप श्रीराम सेंटर की रेपेट्री ज्वाइन करने के लिए गए, बाद में आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी में गए। तो ये श्रीराम सेंटर में जब आप मिलने गए और फिर वापस जब वहां से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री के लिए आए, वो एक बड़ा रोचक किस्सा है सर, जब आप वहां के इंटरव्यू के लिए गए थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी के, अगर वो आप शेयर कर सके सर। ठीक है, तो देखो ऐसा है, मैं जिस फैमिली से आया उसमें अगर आपने पढ़ाई नहीं पूरी की
तो वो बहुत बुरी बात मानी जाती थी। तो मैंने असल में जब मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहा था कॉमर्स की तो मैंने छोड़ दी थी। तो बात हुई घर में और मैंने कहा कि भाई मैं कॉमर्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं नाटक ही करना चाहता हूँ। तो हमारे पिताजी और माताजी ने कहा कि ठीक है अगर तुम करना चाहते हो तो प्रॉपर एजुकेशनल वे में करो इसको। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक ही तरीका था उस वक्त, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली में ही रहता था मैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए मैं गया और मैंने उसका एग्जाम दिया, परीक्षा दी उसकी। लेकिन मैं इंटरव्यू में बहुत घबरा गया, नर्वस हो गया और मेरा स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद मैं नाटक करता रहा साक्षी के साथ, ये व्यू फ्रॉम द ब्रिज वगैरह जो है सब उसी वक्त हुआ। और लोग मुझे जानने भी लगे। तो हालांकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट नहीं था लेकिन वो साल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जिस साल मेरी नौकरी लगी थी। क्योंकि इब्राहिम अलकाजी साहब जो है वो कहना चाहिए कि 14 साल के वनवास के बाद वापस हिंदी थिएटर में आ रहे थे। तो वो बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत एक्साइटेड थे लोग। तो एनएसडी रेपेट्री में वो आ रहे थे और एनएसडी रेपेट्री में सब बहुत लोगों ने अप्लाई किया, कुछ 5,000 एप्लीकेशंस गई थी उस साल। और वो 5,000 एप्लीकेशंस उसमें से कुछ 250-300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना था और पोस्ट थी केवल एक। तो खैर मैंने भर तो दिया लेकिन मुझे ये था कि भाई कैसे होगा मेरा, मैं तो ना तो एनएसडी से हूं और दिग्गज लोग आएंगे तो मेरा कैसे होगा इसके अंदर। और उस समय नौकरी की बहुत जरूरत थी, मैं अपने पांव पे खड़ा होना चाहता था। तो मैंने श्राम सेंटर में अप्लाई किया जी। तो राजेंद्र नाथ जी वहां के डायरेक्टर हुआ करते थे, वो मेरे काम के बड़े प्रशंसक थे। तो मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा श्रीराम सेंटर जी। तो नाथ जी ने मुझे बिठाया और उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं लिया मुझसे। उन्होंने कहा ये बताइए आप पे ग्रेड क्या लेंगे। तो मैंने कहा जी जो आपका हाईएस्ट ग्रेड है मैं वो लूंगा। तो उनका एक ग्रेड होता था कुछ 1,500 रुपए का और एक ग्रेड होता था 2,500 रुपए का, जो ए ग्रेड का। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं ए ग्रेड दूंगा लेकिन मुझे ऐसा पता लगा है कि आपने एनएसडी में भी अप्लाई किया तो कल को अगर आपको आपका एनएसडी में हो गया तो क्या आप एनएसडी चले जाएंगे। और मैं डेस्परेट था, मुझे नौकरी चाहिए थी। तो मैंने कहा नहीं सर, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं उसी कमिटमेंट पर टिका रहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। मैं नीचे उतरा तो पन्ना भरत राम जो है वो वहां खड़ी थी। वो बोली कि सौरभ तुम भाग नहीं जाना कल को अगर एनएसडी में हो तो। मैंने कहा नहीं मैडम मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। और मैं अब किस्मत देखिए, इधर नौकरी मिली और मैं श्रीराम सेंटर से बाहर निकला तो मेरा एक दोस्त दौड़ता हुआ आया, गले लगा लिया उसने मुझे, बोला अरे सौरभ तेरा 250 लोगों में नाम आ गया यार, तू इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गया। क्या बात है। मैं अभी अभी कमिट करके आया था। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा एनएसडी, मैं तो मेरी नौकरी लग गई मैं यही करूंगा। तो मेरे दोस्तों ने मुझे अगले वो 10-15 दिन बाद था इंटरव्यू एनएसडी का, तो बोले अरे यार एक बार जाओ तो सही, एक्सपीरियंस तो करके आओ। तो मन बड़ा क्या करूं क्या करूं क्या करूं।
फिर मैंने कहा यार किसे पता लगेगा, चुपचाप चलो इंटरव्यू दे के आ जाओ, देखेंगे। जी जी। तो मैं एनएसडी पहुंच गया 15 दिन बाद। तो वहां का जलवा कुछ और था। जी जी। वहां मतलब जो रेपेटरी कंपनी पूरा फ्लोर था उसका रविंद्र भवन में। जी जी। और लोग बहुत 250 लोग थे वहां पर, सब इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। और मैंने देखा, मैंने कहा ये जलवा है, ये बहुत अच्छा है, ये हुई ना बात। देख रहा था मैं ऐसे। जी जी। और पर ये पक्का था कि मेरा होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि 250 लोग हैं और एक पोस्ट है। आउटसाइडर के लिए एक थी सर। हाँ, आउटसाइडर के लिए एक सीट थी सर। हाँ, आउटसाइडर के, हाँ मतलब इंटरनल उनका जो रेपेटरी में जो पहले जो अप्रेंटिस थे उनके लिए 2 पोस्ट थी, लेकिन बाहर जो 250 लोग खड़े थे उनको एक ही पोस्ट थी। जी जी जी। अच्छा, तो खैर अब वो तीसरी मंजिल पे था। जी जी। रविंद्र भवन के तो लिफ्ट का दरवाजा खुला तो देखा तो भास्कर चंद्रावरकर चले आ रहे हैं। अच्छा, एनएसडी में जो वो होता था इंटरव्यू, उसमें पैनल बैठता था, 7 जजेस का पैनल बैठता था। जी। तो दरवाजा खोला तो देखा भास्कर चंद्रावरकर उसमें से निकले, वो पैनल में थे। जी। तो मैंने कहा अरे ये बात हुई ना यार, भास्कर जी हैं। जी जी। फिर दरवाजा खोला तो भीष्म साहनी निकले। जी। मैंने कहा अरे वाह ये है बात। फिर मनोहर सिंह निकले, फिर कीर्ति जैन आई। जी जी। है ना, फिर ऐसे मतलब 5-6 लोग जो हैं, बज्जू भाई भी थे उसमें, रामगोपाल बजाज जी, तो बज्जू भाई वहां पर रेपेटरी चीफ थे। तो मैंने कहा यार ये तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए था। जी जी। और मैं खुश खुश बैठा हुआ था, लिफ्ट के ठीक सामने बैठा था, अचानक दरवाजा खुला और 7वें जो जज थे वो अंदर घुसे, और वो राजेंद्र नाथ थे। वो घुसे अंदर, उनकी और मेरी नजर मिली। जी जी। और नाथ जी बोलते बहुत कम थे। जी जी। बोले कुछ नहीं, चुपचाप अंदर चले गए। अब मुझे मतलब मेरी तो हालत खराब। कमिट करके आए थे आप। हाँ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। जी जी। मतलब एक तो मैं झूठा बन गया। जी जी जी। और मतलब ना घर का ना घाट का, क्योंकि यहाँ तो नौकरी वैसे ही नहीं मिलने वाली थी, नाथ जी आ गया अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। जी जी। और रेपेटरी और श्रीराम रेपेटरी से भी निकाल देंगे वो। जी जी। और ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा मैं तो। तो मैं तो मतलब, और मैं अपने सारे दोस्तों को गालियां दे रहा, और मैं मतलब उनको बद्दुआएं दे रहा कि क्यों उन्होंने मुझे कहा कि जाओ एनएसडी। और ये ऐसे दिन चलता रहा। जी जी। मैं पहुंचा कुछ लंच के बाद, मेरा नंबर आया और मैं इतना टेंस था, इतना ज्यादा मैं परेशान था। जी जी। और मैं वो कॉरिडोर से जब वो घुसा अंदर, वो हॉल रेपेटरी का जो हॉल है। जी जी। तो रेपेटरी का हॉल में एक तरफ कुर्सियां हैं। जी जी। और उसकी फ्रंट लाइन में पूरा पैनल बैठता था। जी जी। और स्टेज पे एक स्पॉटलाइट थी और उसपे एक चेयर थी, उसपे कैंडिडेट बैठता था। जी जी। तो मैंने दरवाजा खोला और पैनल को देखा और नाथ जी सबसे सामने ही बैठे हुए थे। जी जी। तो मेरी हंसी निकल गई। मेरी हंसी निकल, मतलब मेरा ऐसा हो गया कि अब तो मतलब चलो इतना ही है, तो जो भी है तो हो गया, जो होना था। जी जी। तो खैर अब मैं जाके बैठा कुर्सी, मैंने कहा चलो देखते हैं, अब तो जो अब तांडव मचने वाला है, जो विनाश होने वाला है, उस विनाश को देखना और क्या। तो मैं जाके बैठा कुर्सी पे, तो सब चुप। नाथ जी ने बोला, पहली लाइन थी मुझे अभी तक याद है, नाथ जी ने ऐसे देखा मुझे, बोले जवाब दीजिए। मैं समझ गया वो क्या कह रहे हैं। जी जी। अब नाउ आई नीडेड टाइम टू थिंक, मैं जवाब क्या दूं यार, क्या दूं। तो मैंने कहा सर देखिए क्या है कि आपको मालूम है सवाल क्या है, मुझे मालूम है जवाब क्या है, लेकिन यहाँ 6 और लोग हैं, तो अगर आप सवाल रिपीट कर देंगे तो मैं फिर जवाब सबको दे पाऊंगा।
मुझे ऐसा लगा कि इसमें दो एक मिनट निकल जाएंगे समझाने में, तब तक सोच लूंगा कुछ। नाथ जी ने तुरंत ही बोला, बोले नहीं आप वो भूल जाइए, ये सब जानते हैं, आप जवाब दो। जी जी जी, मेरी को समझ में नहीं आया, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा कि सर देखिए, मैं श्रीराम रेपेट्री में गया था, मुझे नौकरी मिली थी, मैंने कहा था मैं यहाँ नहीं आऊंगा, लेकिन यहाँ आने के तीन रीजन, अब कोई तीन रीजन मेरे पास नहीं थे, लेकिन मुंह से निकल गया। मैंने कहा हाँ तीन रीजन थे, तो बोले पहला रीजन बोलिए। मैंने कहा सर पहला रीजन ये है कि आज से 15 दिन पहले आपने नौकरी दी थी मुझे, और 15 दिन इंसान की जिंदगी में बहुत होते हैं कुछ भी सोचने के लिए। नाथ जी बोले ये कोई जवाब नहीं है, दूसरा रीजन बताइए। मैंने कहा सर श्रीराम रेपेट्री जो है वो सिर्फ हिंदी नाटक करता है, जबकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो सारे वर्ल्ड के नाटक हिंदी में ही करता है, लेकिन सारे वर्ल्ड के नाटक जो है वो करता है। तो मुझे लगा कि मैं वर्ल्ड का जो नाटक का जो दुनिया है उससे मैं जुड़ पाऊंगा। तो नाथ जी बोले ये भी कोई जवाब नहीं है, तीसरा कारण बताइए। तीसरा कारण बताइए। जी जी, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने कहा सर तीसरा कारण ये है कि आपके यहाँ 2500 मिल रहे थे, यहाँ पर 4000 रुपए मिले, बस इतना सुनना था। और पूरा पैनल जो था वो ठहाका मार के हंसा, और उसके बाद नाथ जी ने ये बोला था, सबको बोला था, उन्होंने कहा था कि मेरे हिसाब से अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है इस पोस्ट के लिए तो वो ये आदमी है, और मुझे इसका इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्या बात है सर। और उसके बाद 45 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू, लेकिन उस 45 मिनट में मुझसे कुछ भी एक्टिंग के बारे में या परफॉर्मेंस करके दिखाने का कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ इधर उधर की बातें, शादी हो गई आपकी क्या करेंगे, मैंने कहा सर आप लोग नौकरी दे देंगे तो शादी भी कर लूंगा, तो इस तरह की बातें हुई। और फिर आउट ऑफ दोज 5000 एप्लीकेशंस आई गॉट दैट जॉब। क्या बात है सर, बहुत बहुत ही रोचक ये यात्रा तो बहुत ही रोचक रही सर। जी सर, एनएसडी रेपेट्री का ही प्ले था जहां तक मैं पढ़ रहा था सर आपके बारे में, खूबसूरत बहू नागभूषण का लिखा हुआ जी। उस नाटक ने आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाया। शेखर कपूर साहब उस नाटक को देखने आए हुए थे, उनकी नजर आप पे पड़ी और वहां से एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। तो ऐसा क्या विशेष किया था सर उस नाटक में आपने कि शेखर कपूर साहब आपके मुरीद हो गए थे? जो अंग्रेजी की कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। तो मैंने क्या किया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ शेखर कपूर साहब की आंखों में वो खूबसूरती थी कि उन्होंने मुझे देख के उसमें से कास्ट किया। इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हालांकि सबको अपनी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो मुझे भी अपनी हर बात ही इंटरेस्टिंग लगती है। तो खैर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जी जी। तो शेखर कपूर साहब जो थे वो बैंडेड क्वीन बना रहे थे, और वो उन्होंने सीमा को कास्ट कर लिया था जी। और वो दिल्ली में कास्टिंग कर रहे थे जी। उस दौरान मेरे पास तीन ऑफर्स आए जी जी, जिसमें से एक ऑफर था इंग्लैंड का ऑफर था, वो एक टेलीविजन सीरीज बन रही थी जिसका नाम था बुद्धा ऑफ सबर्बिया। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े राइटर हैं हनीफ कुरैशी, उनके नॉवल पे बेस्ड एक सीरीज बन रही थी, बीबीसी की सीरीज थी जी जी। तो मैंने उसका स्क्रीन टेस्ट दिया था और वो लोग बहुत खुश थे, और उन्होंने मुझसे सारी बात कर दी थी कि आप इंग्लैंड में आके रहेंगे और आपको 2 साल इंग्लैंड में रहना पड़ेगा, ये सब बात हो गई थी जी जी। उसी वक्त बर्टोलुची एक फिल्म बना रहे थे लिटिल बुद्धा जी जी, तो उसमें भी मेरे 3-4 स्क्रीन टेस्ट हो चुके थे और बहुत उम्मीद थी कि मुझे वो मिल जाएगा
और तीसरा था कि दूरदर्शन में बहुत दिनों बाद सीरीज खुली थे, सीरियल्स खुले थे जिसमें मैंने अपने चार प्रोजेक्ट जमा किए थे और चारों जो थे वो टॉप कैटेगरी में पास हो गए। अरे वो तो अब शेखर कपूर साहब जो थे वो एक दिन रिपेटरी में मुझसे मिले जी जी और बात हुआ थी तो मैं शेखर का बहुत बड़ा फैन था जी जी उनकी मासूम मुझे बहुत पसंद थी जी तो वो देखते रहे मेरी तरफ तो बोले तुम क्या कर रहे हो आजकल तो बज्जू भाई को सब कुछ मालूम था मेरे बारे में तो बज्जू भाई ने बड़े प्राइड से कहा उन्होंने कहा अरे ये तो इंग्लैंड जा रहा है और इसके चार सीरियल पास हो गए हैं और ये लिटिल बुद्धा भी कर रहा है तो शेखर कपूर साहब ने मेरी तरफ देखा उन्होंने बोले अच्छा 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 बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ बैंडेड क्वीन तो चलो बट यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस कह के वो चले गए जी मुझे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मैंने मैं तो इंग्लैंड ऑलरेडी पहुंच गया था अपने दिमाग में तो सबकी कास्टिंग हो रही थी जी सो हमारे आसपास के जितने दोस्त थे वो सब लोग धीरे धीरे बैंडेड क्वीन में कास्ट हो रहे थे जी फिर अचानक बटुलूची के यहाँ से मेरे यहाँ मेरे को लेटर आया कि भाई ऐसा है कि आपका नहीं हुआ फाइनली तो मैंने क्या फर्क पड़ता है यार मैं तो वैसे ही इंग्लैंड जा रहा हूँ फिर उसके एक हफ्ते बाद लेटर आया इंग्लैंड से कि हमने किसी और एक्टर को ले लिया है तो इस बार हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे मैंने कहा अच्छा मैंने कहा हटाओ कोई बात नहीं दूरदर्शन के चार सीरियल तो है ही मेरे पास उसके तीन दिन बाद अखबार में खबर आई किसी ने केस कर दिया और लिटिगेशन हो गया तो मतलब सब मिला के जीरो हो गया जी जी और तब तक कास्टिंग खत्म हो गई बैंडेड क्वीन की जी जी अब मैं बड़ा दुखी मैंने कहा यार सबका हो गया मेरा ही नहीं हुआ मुझे क्या क्या मिल रहा था कुछ भी नहीं मिला और खूबसूरत बहुत चल रहा था जी 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 तो खूबसूरत बहू में मैं एक्चुअली मल्टीपल रोल्स करता था छोटे छोटे मल्टीपल्स रोल करता था एंड आई यूज्ड टू ओपन द प्ले तो शेखर आए वो सीमा को देखने आए थे मतलब कास्टिंग हो गई थी लेकिन सीमा का प्ले था तो देखने आए थे खैर प्ले खत्म हुआ अब हम लोग सब घर जा रहे हैं रात को तो तिग्मांशु आया मेरे पास तिग्मांशु धूलिया जी 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 तो तिशु ने मुझसे कहा कि अरे सुन सौरभ शेखर बैकस्टेज बुला रहे थे तो मैं चला गया जी जी तो ऐसे खड़े हुए थे ऐसे दाढ़ी पे ऐसे हाथ रख के देखते रहे मेरी तरफ जी और मैं भी उनको देखता रहा कुछ चार पांच मिनट तक देखते रहे मुझे तो सारे लाया बोले अच्छा ठीक है ओके और चले तो मैंने तिग्मांशु को तिग्मांशु के पीछे पीछे गया फिर थोड़ी देर में आया मैंने कहा यार तिग्मांशु क्या हुआ तो बुलाया तूने बोला बुलाया खड़ा कर दिया मुझे मेरी तरफ देखते रहे फिर चले गए बात क्या हुई तो उसने कहा तेरी कल की टिकट है तू धौलपुर जा रहा है तो मैंने कहा अच्छा धौलपुर जा रहा हूं ये पिक्चर की शूटिंग नहीं शुरू हुई थी जी जी ये शूटिंग शुरू होने से दो महीने पहले तो मैं सीमा जी मनोज जी, निर्मल है ना ऐसे रघुभाई जी 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 ऐसे चार पांच लोग जो थे हम लोग धौलपुर पहुंच गए अब धौलपुर में मैं मुझे ये समझ में आ गया कि पिक्चर तो मिल गई मुझे जी लेकिन मुझे लगा कि कहीं ऐसे साइड में खड़ा कर देंगे मुझे बोल तो पता करूं अब शेखर से हिम्मत नहीं पड़ती थी पूछने की तो कनन अय्यर करके उनके एक असिस्टेंट थे तो कनन को मैंने पूछा मैंने कहा यार मुझे बता तो दो रोल कौन सा है इम्पोर्टेंट रोल है भी कि मतलब ऐसे ही साइड में कहीं गैंग में खड़ा हूंगा तो कनन ने मेरी तरफ देखा
और बोला कि सौरभ डू यू रियलाइज दैट देयर आर ओनली 3 or 4 एक्टर्स और 5 एक्टर्स हियर हु हैव कम 2 months बिफोर द शूट एंड दे आर द प्रिंसिपल कास्ट सो यू हैव अ प्रिंसिपल कैरेक्टर अब उसके बाद फिर बैंडेड क्वीन की जर्नी शुरू हुई और मैं छोटा सा आपको बता देता हूं यहीं पे शायद हो सकता है आपका सेकंड सवाल भी वही रहा हो लेकिन बैंडेड क्वीन के दौरान शेखर जी ने मुझे एक दिन ऐसे बैठे बैठे पूछा और अब ये बता कि तुझे अब क्या ज्यादा अच्छा लगता है थिएटर या फिल्म मैंने कहा सर एक्टर के तौर पर तो थिएटर ही अच्छा लगता है लेकिन ये जरूर है कि फिल्म मेरा बहुत सपना था और मैं फिल्म में एक्टिंग वैक्टिंग का शौक नहीं है मुझे मुझे फिल्म बनानी है तो अगर मैं बॉम्बे आऊं तब बॉम्बे ही कहा जाता था मुंबई नहीं कहा जाता था कहना तो मैं आऊं तो मुझे अपना असिस्टेंट रख लेंगे आप तो हंसने लगे बोले अरे नहीं कोई बात नहीं असिस्टेंट असिस्टेंट छोड़ मैं तुझे एज एन एक्टर बुलाऊंगा तो मुझे लगा ये तो मतलब ऐसे ही है But in 2 months' time, or 3 months' time, he called me to Bombay. And मैं अपना पहला काम जो है उसके साथ मुंबई आ गया था. जी. ये है कहानी. सर. Interesting ही है ना? जी जी. हाँ. क्योंकि मुझे तो बहुत interesting लगती है. नहीं, बहुत ही interesting है सर. ये तो आपकी जितनी कहानियां हैं, चाहे वो NSD Repertory में जाना हो या पहली फिल्म हो. दोनों की यात्रा बड़ी रोचक है एक समय आपके हाथ में बहुत कुछ होता है दूसरे पर लगता है कि सब कुछ छूट रहा है और फिर कुछ ना कुछ उम्दा आ जाता है तो सर 1998 का वो दौर था जी जब आपने एक बहुत ही उम्दा फिल्म का केस का स्क्रीन प्ले भी लिखा आप स्क्रीन पर भी आए और एक ऐसा सेंसेशन हो गया पूरे भारत में कल्लू मामा के रूप में कि मतलब आज भी इतने वर्षों बाद मतलब मैं कहूंगा लगभग 2.5 दशक होने को आ रहे हैं लेकिन आज भी जब आपका चेहरा पहली बार कोई देखता है तो पहली छवि जो बनती है वो कल्लू मामा की बनती तो सत्या ने क्या सर लगता है कि जीवन बदल दिया एक नई परिभाषा दी बतौर अभिनेता बिल्कुल दी लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जी मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जीवन में अनखास तौर से शुरुआती दौर में मुझे वो फिल्में ऑफर हुई और वो फिल्म मेकर्स ने मुझे पसंद किया जिन्होंने मुझे वो एक्टर बनाया जो आज मैं हूं मेरी सोच मेरा नजरिया ये उन फिल्मों की वजह से है तो मेरे ख्याल से इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता था कि मेरे जीवन की पहली फिल्म जो है वो बैंडिट क्वीन निश्चित तौर पर उसमें बहुत कुछ समझने को जानने को बहुत कुछ मिला मेरी दूसरी फिल्म इस रात की सुबह नहीं जो सुधीर मिश्रा साहब ने बनाई थी उसमें भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा साथ रहा और फिर सत्या और सत्या जब बननी शुरू हुई तो खैर इसमें भी एक छोटी सी कहानी वो भी बता देता हूं जी बिल्कुल सर कि मुझे अनुराग कश्यप का फोन आया और अनुराग असिस्ट कर रहे थे रामू को और मैं अनुराग मेरे काम के बारे में थोड़ा जानते थे तो उन्होंने बोला कि सौरभ सर आपको कल रामू ने बताया तो मैंने कहा अच्छा मैं वापस आया तो रामू अच्छे फिल्म मेकर तो है ही डायरेक्टर की तरह मैं भी काम करना चाहता था उनके साथ लेकिन रात को ना कुछ मेरे को एक फीलिंग सी हुई कि शायद रामू ने मुझे एक्टिंग के लिए नहीं बुला रहे वो मुझे लिखने के लिए बुला रहे जी तो
तो मैं सारी रात ये सोचता रहा कैसे मना करूं इनको। खैर, और मैं पूरा मन बना के गया था कि अगर मेरे को इन्होंने बोला कि सर मतलब आपको लिखने के लिए बुलाया, तो मैं बोल दूंगा कि सर मैं लिखता लिखता नहीं और मेरा कोई शौक नहीं है लिखने में। जी। तो मैं पहुंचा रामू के घर। जी। बैठा, रामू आए। जी। और पहली लाइन उन्होंने बोली, उन्होंने कहा सौरभ आई वॉन्ट यू टू एक्ट इन माई फिल्म। क्या बात। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू राइट द फिल्म। अरे वाह। तो मैं फंस गया। मैंने कहा अगर मैं बोलता हूं कि मैं नहीं लिखूंगा तो मेरा रोल निकल जाएगा हाथ से, तो मरता क्या मैं करता। मैंने फाइनली लिखा भी और भी किया। एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऑल फ्रेंड्स, मनोज वाज देयर, अनुराग बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड, आदित्य श्रीवास्तव था उसमें, सब लोग थे। अमेरिका से कैमरामैन आया था जेरॉल्ड हूपर, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। मैं कभी भी न्यूयॉर्क जाता हूँ उससे मिलता हूँ, और बहुत 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 मजा आया उस फिल्म में। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आफ्टर द फिल्म वॉज मेड, nobody believed, I mean we believed in the film of course, but outside nobody believed in the film. But the day it released, it became what it is. निश्चित तौर पे सर। सर इस फिल्म में आपने जो स्क्रीन प्ले लिखा उसके लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला आपको। हाँ, करेक्ट। तो ये सर पहली फिल्म थी जिसके लिए आपने स्क्रीन प्ले लिखा था और पहली फिल्म में स्टार स्क्रीन अवार्ड। हाँ, मैंने बहुत कम फिल्में लिखी हैं। तो हाँ, पहली फिल्म थी जो लिखी थी मैंने, और स्टार स्क्रीन अवार्ड स्क्रीन प्ले के लिए मुझे और अनुराग को मिला था, क्योंकि मैं और अनुराग थे इसमें राइटर। संयुक्त रूप से आप लोगों ने लिखा। संयुक्त रूप से हम लोग राइटर थे। जी जी सर, एक अभिनेता होने के तौर पे जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से विभूषित किया गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में जॉली एलएलबी की, तो क्या सर एक लगता है कि जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई है? देखो दोस्त, ये सवाल मुझसे कई बार कई तरीकों से पूछा गया है। जी जी। दो बातें हैं। जी। लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, कैसा महसूस हुआ? तो मैं पहला ये बता देता हूं कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पे मुझे क्या महसूस हुआ। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन वो उस खुशी से कम थी जो जिस वक्त मैं वो रोल कर रहा था और जब मैं वो खत्म करता था शॉट, और जब मैं वो काम कर रहा था, तो उसकी जो खुशी थी उससे कोई खुशी, कोई पुरस्कार जो है उसको मैच नहीं करता, नहीं कर सकता। आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है वो क्षण जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं। पहला ये मुझे भी रियलाइजेशन है। उसके बाद आप उसकी ग्लोरी को जीतते हैं। एक ग्लोरी है जो पास्ट में है, जो आपने किया। ये नाटक वालों को बहुत ज्यादा महसूस होता होगा, क्योंकि जिस वक्त आप स्टेज पे होते हैं जो वो उठान होती है उससे कभी मैच नहीं होता। जब लोग ग्रीन रूम में आपके आपका हाथ पकड़ के आपकी तारीफ करते हैं, बहुत खुशी होती है। जी जी जी। बहुत ग्रेटिफिकेशन होता है, मगर जो वो क्षण होता है, वो क्षण सबसे, वो उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते। पहली जिम्मेदारी, देखो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर मैं जिम्मेदारी का बोझ उठाकर चलूंगा तो मैं बोझ तले मर जाऊंगा, और उड़ने के लिए बोझ को जितना आप अलग रखें उतना अच्छा, उतना ऊंचा उड़ पाए। हर हर रोज बच्चे की तरह शुरुआत करो और मान के चलो। मैं
अपने आप को देखता हूं, मेरे दाढ़ी वाली सफेद हो गई है, लेकिन मुझे आज तक कभी महसूस नहीं होता है कि मेरी उम्र हो गई है। मुझे यही लगता है यार अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, फिर सुधार लेंगे। ये बच्चा कभी मत छोड़ो, कभी मैं तो नहीं छोड़ता। तो मैं जिम्मेदारी का बोझ उठा के नहीं चलता भाई। जी जी हाँ अच्छा है, अच्छा किया, मैं करूंगा, इसे करूंगा। अभी मुझे किसी को ये समझाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए ना कि नहीं नहीं भाई साहब मैं अच्छे से काम करूंगा। अरे मैं क्यों, आप खुद ही समझ जाओ करूंगा मैं काम। करेक्ट ना, बाकी गारंटी कोई नहीं है। अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छी एक्टिंग हो जाएगी, अच्छी फिल्म बन जाएगी तो ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा मुगालता है कि अच्छी एक्टिंग जो है ना वो एक्टर करता है। ऐसा नहीं होता है, अच्छी एक्टिंग के पीछे एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है, डायरेक्टर की होती है, बहुत अच्छा कैमरामैन होता है, बहुत अच्छे को एक्टर्स होते हैं आपके, क्योंकि आपको अगर बिलो एवरेज एक्टर्स के बीच में खड़ा कर दिया जाएगा तो आप कितने ही भी जोर से आप अपना ढोल बजा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। सर आप उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जो सिनेमा और रंगमंच के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करके चल रहे हैं। हाल के दिनों में सर आप लखनऊ भी आए हुए थे परफॉर्म करने के लिए और नियमित रंगमंच आप कर रहे हैं सर, तो ये एक जो समन्वय सर आप बना के चल रहे हैं, इसमें रंगमंच कितनी प्राथमिकता पर है सर, या कैसे उसके लिए समय निकाल पाते हैं सिनेमा और राइटिंग के अलावा? देखो ऐसा है, जब जो चीज आपको पसंद होती है उसके लिए समय तो निकल ही आता है दोस्त। मैं न सिर्फ रंगमंच के लिए समय निकालता हूं, है ना, मैं टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलता हूं और मैं टेबल टेनिस के लिए भी समय निकालता हूं। वहां मैं रोज, जब मैं शूटिंग नहीं कर रहा होता हूं शाम के बाद, तो मैं 3 घंटे रोज खेलता हूं। ये लॉकडाउन के बाद नहीं खेल पा रहा हूं, लेकिन मैं 3 घंटे टेबल टेनिस रोज खेलता हूं। मैं नाटक भी करता हूं और मैं फिल्म भी करता हूं और मैं घूमने भी जाता हूं। तो आदमी जितना, लोग जो कहते हैं ना कि समय नहीं है, समय नहीं है, आपके पास समय ही है दोस्त, बाकी और कुछ नहीं है। तो समय का जितना सदुपयोग आप कर लेंगे उतना अच्छा है। तो मैं तो मुझे इसमें, लोग पूछते हैं आप समय कैसे निकाल पाते, कैसे निकाल पाता हूं मतलब क्या भाई, सुबह उठता हूं दिनचर्या के बाद, मतलब शुरू होती है दिनचर्या, आप उसके बाद नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर आप कुछ तो करेंगे, या तो फिल्म की शूटिंग करेंगे, नहीं तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप फिल्म देखेंगे, नहीं तो आप घूमेंगे, नाटक करेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, खाना बनाने का मन होगा तो खाना बनाएंगे। तो ये तो सब नेचुरल चीजें हैं, इसमें इतना बड़ा क्या लोग पूछते हैं कि अरे कैसे, अरे कोई मतलब, अगर भाई मेरे 2-4-5 काम अगर अच्छे हो गए तो उसके बाद ये थोड़ी कि मेरे पास समय की कमी हो जाएगी, घंटे तो उतने ही रहेंगे ना 24। सर हम कार्यक्रम के लगभग आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हैं। भारतेंदु नाट्य अकेडमी के जो छात्र छात्राएं हैं सर, जो अभी एक निश्चित तौर पे एक नई पारी की शुरुआत करेंगे, जो सेकेंड ईयर में है, विशेष रूप से वो इस साल पास आउट हो रहे हैं सर, उन्हें अगर आप कुछ विशेष सुझाव देना चाहें आगे की पारी के लिए, तो वो बहुत, उन्हें बहुत ऊर्जा मिलेगी सर। हाँ बिल्कुल, देखो पहली बात तो ये क्या है कि ऐसे सुझाव जो होते हैं, जो एक तरफा होते हैं, वो थोड़ा ज्ञान की तरह हो जाते हैं, कि मतलब मैं आपको जैसे कोई ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तो ज्ञान दे नहीं सकता आपको, लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। ये मतलब बहुत सारी बातें होती हैं एक्टर्स के लिए जो मैं करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं हमेशा उन एक्टर्स को जिनकी वर्कशॉप मैंने कभी भी दी, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं, आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, और इसका जवाब आपको सबके सामने देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी देने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप को देना जवाब। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं मतलब क्यों बनना चाहता कोई एक्टर, तो उसका बहुत सिंपल सा वो है,
कि आप अपने आप को इमेजिन करिए आज से 10 साल बाद, जब आप पराकाष्ठा में अपने फील्ड की आप सक्सेसफुल हैं, तब आपको क्या दिखाई पड़ता है? तब आपको एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई पड़ता है, बहुत सारे पैसे दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे फैंस दिखाई पड़ते हैं, विदेश यात्रा दिखाई पड़ती है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल दिखाई पड़ता है, खूबसूरत महिलाओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ता है? और अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है तो समझिए आपके लिए जर्नी बहुत आसान है। देन यू लव दैट आर्ट एंड नथिंग एल्स। सो फर्क नहीं पड़ेगा अगर 10 साल बाद आप सक्सेसफुल है कि नहीं है, दुनिया माने ना माने, आप जब वो क्षण को जीते हैं, अगर आपको वो खुशी मिलती है, तो ये जितने भी हार्ट ब्रेक्स हैं, जितने भी झटके हैं कि अरे यार मुझे उसने कहा था नौ रोल देगा, नहीं दिया, मुझे अच्छा एक्टर नहीं मानते हैं, मानते हैं, अच्छा एक्टर मानते हैं लेकिन रोल अच्छा नहीं देते हैं, इन सारी तकलीफों से आप परे हो जाएंगे, क्योंकि दैट मोमेंट ऑफ आर्ट इज डिवाइन। सो लिव अ डिवाइन मोमेंट, इट इज वंडरफुल, एंड देन इट डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन, यू नो। ये सर कार्यक्रम के आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हैं। सर एक जब ये पता चला दर्शकों को कि आप कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, कुछ कुछ प्रश्न हैं सर, एक दो जो दर्शकों के हम हर सेशन के आखिरी में उठाते हैं। सर आपसे अनुरोध है, आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर लगे उचित है देना चाहिए तो निश्चित तौर पर सर अनुरोध है। आपका नाटक सर बर्फ उस दर्शकों को बहुत पसंद आया, आप यहाँ लखनऊ में भी आपने उसे किया है, उसके बारे में लोग ये जानना चाह रहे हैं सर कि इस नाटक को लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, अगर लखनऊ के रंगकर्मी उसे करना चाह रहे हैं तो कैसे उसकी स्क्रिप्ट हमें कैसे मिल सकती है, कैसे परमिशन मिल सकती है सर? ओके तो देखिए क्या है, पहली बात तो नाटक जो है वो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है और नाटक आप पढ़ सकते हैं। परमिशन के लिए आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी और मुझे माफ कीजिएगा लेकिन इस वक्त परमिशन मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त क्या है, बर्फ जो है, बर्फ एक्चुअली लिखी गई थी फिल्म के लिए, उसके बाद नाटक को नाटक में कन्वर्ट किया गया और उसकी बुक छपी है। तो अब उसकी फिल्म जो है, और दुआ करिए कि जल्दी ही वो फिल्म जो है वो फ्लोर पर चली जाए, अभी तो सब लॉकडाउन है, लेकिन वो फिल्म के तौर पर काफी आगे बढ़ चुकी है। तो अब ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हम फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त उसकी कहानी और उसका जो पूरी स्क्रिप्ट है वो उस पर पूरा अधिकार जो है वो प्रोड्यूसर का होता है और वो राइट इस वक्त मेरे पास है नहीं, तो मैं इसके राइट्स आपको नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच सर, पढ़िए जरूर, और पब्लिक शो करना मुश्किल है लेकिन हाँ आप लोग आपस में उसको एज एन एक्सरसाइज करना चाहें जरूर करें। जी लखनऊ के एक रंगकर्मी का प्रश्न है सर कि जब हम थिएटर करते हैं तो उसका एक तरीका दूसरा होता है, लेकिन जब कैमरे के सामने जाते हैं तो हम थोड़ा सा बंध जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में समन्वय हम कैसे स्थापित करें? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एक्टर का काम एक्टिंग करना है, जी बाकी जो कुछ भी होता है वो मीडियम करता है। तो ये सवाल मेरे से अक्सर पूछा गया है, लोग पूछते हैं कि साहब थिएटर एक्टिंग में और फिल्म एक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? अरे एक्टिंग एक्टिंग है, डिफरेंस क्या होगा? कोई डिफरेंस नहीं है, एक्टिंग है, करिए एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग करेंगे तो अच्छी एक्टिंग होगी, बुरी एक्टिंग करेंगे तो ऐसा नहीं कि स्टेज पे आप कुछ बुरी एक्टिंग जो है अच्छी एक्टिंग हो जाएगी, अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि आप सशक्त एक्टर कैसे बने,
और सशक्त एक्टर बनने के लिए खाली एक्टिंग आइसोलेशन में कुछ नहीं होता है दोस्त। आप मीडियम को कितना समझते हैं? अगर आप मीडियम समझ गए, अगर आपको थिएटर स्टेज का मीडियम समझ में आ गया, तो आप उस मीडियम को यूज कर सकते हैं अपनी एक्टिंग स्किल में। वही बात सिनेमा, तो हमारी जो इमेजिनेशन, जो एक्टर की इमेजिनेशन होती है, वो किस मीडियम में इमेजिन कर रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक्टिंग करते वक्त या सीखते वक्त एक्टिंग छोड़ के सब करो, पढ़ो, डायरेक्शन करो, गाने गाओ, पेंटिंग देखो, लिखो, तब पूर्ण एक्टर बन पाओगे। एक्टिंग जो लोग खाली एक्टिंग के चक्कर में, उनको लगता है कि एक्टिंग कोई अलग अलग कुछ है ही नहीं। एक्टिंग जी जी एक्टिंग इज अ, वो तो सबका रिफ्लेक्शन है भाई। जी 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 बाकी सब चीजें करो जी। सर एक दीपेंद्र जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि आपका अभिनय बिल्कुल एफर्टलेस लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति है जो पर्दे पे दिख रहा है। आपका जो कल्लू मामा का किरदार था, उससे जुड़ा अगर कोई रोचक किस्सा हो तो प्लीज शेयर करें। वो ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द का ही कोई व्यक्ति है, बहुत ही उम्दा अभिनय था उसमें। अरे बड़े किस्से तो बहुत है, मैंने इतने सारे किस्से तो सुना दिए यार, अब मैं और क्या किस्सा सुनाऊं। लेकिन हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कभी इस बात का कहना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं, क्योंकि मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था। लेकिन लोगों ने मुझे सराहा, पसंद किया, तब जाके मैंने अपने आप को पसंद करना शुरू कर दिया। मतलब उसमें वैलिडेशन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, तब मुझे समझ में आया कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ। और मेरे बहुत अच्छे मित्र सुधीर मिश्रा मुझे हमेशा कहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत तारीफ करते हैं मेरी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा था कि सौरभ तुम अच्छे एक्टर पता क्यों? क्योंकि तुम्हें एक्टिंग की पढ़ी नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही है सर। तुम्हें अगर एक्टिंग की पढ़ जाती ना, तुम अच्छे एक्टर नहीं होते सर। जी जी। सर सुधीर मिश्रा जी से भी जुड़ा हुआ एक बड़ा रोचक किस्सा है कि उन्होंने आपसे एक बारी एक स्क्रिप्ट लिखने को कही थी और उसमें पूरे 22 साल लग गए सर, मेहरू निशा नाम था उसका। हाँ भाई, ऐसे बदनाम नहीं करो मुझे। मैंने बाकायदा, उन्होंने मुझे सबसे पहले मुंबई में जो पैसे दिए थे वो सुधीर मिश्रा ने दिए थे मुझे, 10,000 रुपए दिए थे। और 22 के आपको 25 साल हो गए, शुरुआती दिनों में ही दिए थे उन्होंने। और हमने स्क्रिप्ट पे बहुत काम भी किया था, लेकिन उस वक्त सुधीर वो फिल्म नहीं बना पाए। और फिर वो स्क्रिप्ट दोबारा से जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। और फिर मुझे सौभाग्य मिला, सुधीर ने फिर मुझे कहा उसमें काम करने के लिए, उसमें मैंने काम किया। अभी भी वो फिल्म पूरे मकाम पे अपने नहीं पहुंची है, लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्म है और जिस दिन पहुंचेगी बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर। प्रमुख सचिव संस्कृति उत्तर प्रदेश श्री जितेंद्र कुमार जी एवं निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी का अनुरोध सर आपने स्वीकार किया, आप रंग समागम 2020 का एक इतना महत्वपूर्ण अंग बने, उसके लिए पूरे भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रंग समागम जो पहल है सर, वो उसकी कोशिश यही थी सर कि आप जैसे कला जगत की जो विभूतियां हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है सर, उनकी यात्रा से हम रूबरू हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।